नोहराधार में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में 50 लोगों ने किया रक्तदान। साई समिति द्वारा आयोजित किया गया था रक्तदान शिविर। स्वास्थ्य खंड संगड़ा के अंतर्गत आने वाले नोहराधार में रविवार को आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में 50 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। सत्य साई समिति की सोलन व राजगढ़ इकाई द्वारा आयोजित इस कैंप में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर महादान का पुण्य प्राप्त किया। साई समिति के सदस्य डॉक्टर रूपप्रीत तथा सुनील वर्मा ने बताया कि ऐसे शिविर आयोजित कर समिति आईजीएमसी शिमला में जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध करवाती है, जिससे कई जरूरतमंद लोगों की जान बच रही है। उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेट करने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा रक्तदान कर हम किसी की जान बचाने का महापुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। साई समिति ने क्षेत्रवासियों से जरूरत पड़ने पर विभिन्न अस्पतालों में ब्लड डोनेट कर जरूरतमंदों की जान बचाने की भी अपील की। संगड़ा पुलिस ने आज सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के लिए किए 5 चालान, एमवी एक्ट की वॉयलेशन के लिए भी किए गए 2 के चालान। संगड़ा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के लिए आज कोटपा के तहत 5 लोगों के चालान किए गए। इसके अलावा पुलिस द्वारा वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए भी 2 लोगों के चालान किए गए। इन दिनों थाना प्रभारी संगड़ा के क्षेत्र से बाहर होने तथा पिछले कुछ माह से विभागीय प्रशिक्षण पर गए स्थानीय डीएसपी के ना लौटने से मास्क न पहनने वालों के चालान नहीं हो पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मास्क न पहनने वालों के चालान करने के लिए केवल सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी ही अधिकृत है और पुलिस थाना क्षेत्र संगड़ा में इस स्तर के केवल 1 एनजीओ पुलिस अधिकारी है। स्थानीय नॉन गजेटेड पुलिस अधिकारियों के अनुसार लोगों को चालान के साथ साथ वाहन अधिनियम तथा कोरोना एसओपी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।